गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज मैं घर बोर हो रहा था तभी यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर काफी खूबसूरत वाटरफॉल है, पर लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। यार ये वाटरफॉल तो काफी छोटा है, मैं फालतू में यहाँ पर आया। देखो वहाँ पर एक और वाटरफॉल, चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। ओ माय गॉड, ये तो सच में काफी खूबसूरत है, देखकर मजा आ गया। चलो इसके पानी में नहाते हैं। पर गाइस सामने देखो, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, कहीं वही डायन तो नहीं जिसके बारे में लोग बता रहे थे। चलो उसके पास चलते हैं और देखते वो है कौन। ओ भाई साहब, यहाँ तो काफी सारे कौवे मरे पड़े हैं। देखो और भी आ गए, पर मैंने उनको डराकर भगा दिया। देखो यहाँ से उठ गए। पर गाइस वहाँ पर देखो वो लड़की बैठी हुई, चलो उससे बात करते हैं। पर मैंने तो उसको गिरा दिया, इसको देखकर तो नहीं लगता कि ये कोई चुड़ैल है। पर अचानक से उसको क्या हुआ, वो वापस से बैठ गई। ओ भाई साहब, ये तो अचानक से मर गई और पानी के बहाव की वजह से वो पानी के साथ बहती जा रही है, पर अचानक का गायब हो गई, शायद वो कौवे में बदल गई। चलो इसको मार देते हैं। अब वहाँ पर अचानक क्या होने लग गया, धुआं कैसे निकलने लग गई, शायद उसके अंदर कोई है। चलो थोड़ा जूम करके देखते हैं, मेरे को तो कोई इंसान लग रहा है। चलो नदी को पार कर कर हम उसको पास से देखते हैं। यार वो तो मेरी तरफ ही आ रही है, कहीं मारने ना आ रही हो। यार ये तो सच में डायन निकली, अब मेरे को मारना चाहती है। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर छुप गया, शायद अब मैं उससे बच जाऊँ। यार उसको तो पता चल गया और ये मारने भी लग गई। मैं ज्यादा दूर भाग नहीं सकता, वो वहाँ भी आ जाएगी, लगता है उसका सामना करना होगा। यार ये तो मरी नहीं रही, पर इस बार मैं ज्यादा जोर से मारूंगा। आखिरकार इसका काम तमाम हो गया, मैंने उसको जान से मार ही दिया। पर अब इसको ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर पुलिस ने देख लिया तो मेरे को जेल हो जाएगी। चलो इसकी कार ले लेते हैं। स्पाइडरमैन, मैंने तो उसको दूर फेंक दिया, अब वापस से उठाकर इसको कार में डालना होगा। अबे साले रास्ते से हट, अभी ये कार मेरी हो गई। चलो गाइस जंगल में जाकर इसको ठिकाने पर लगाते हैं, वो भी पुलिस के आने से पहले, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। पर ये लोग जंगल में क्या कर रहे हैं, मैंने तो बेचारे को ठोक दिया, अब इनको ना चाहकर भी मारना होगा। यार इन्होंने तो यहाँ पर किसी की कब्र खोद रखी है, पर अब मैंने इस कब्र के अंदर उस डायन को डाल दिया, पर इसको दफनाने में टाइम लग जाएगा। चलो इसके ऊपर कार लगा देते हैं, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि कार के नीचे वो डायन थी। मैं भी घर पर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ओ माय गॉड, ये अचानक से कार में धमाका कैसे हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा कैसे हुआ। अबे यहाँ पर तो वो डायन वापस जिंदा हो गई और इसने अपना रूप बदल लिया, शायद अब मेरे से बदला लेगी। मेरे को यहाँ से भागकर कहीं और जगह पर जाना होगा, जल्दी से कोई कार मिल जाए। यार ये तो यहाँ भी आ गई और हमला कर दिया, पता नहीं अब क्या होगा। उसको तो कार कुचल कर चली गई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा वो बच कैसे जाती है। मेरे को इसका कुछ करना होगा, पर मैं जब भी मारने लगता हूँ ये उल्टा मेरे को मारने लगती है। ऐसे तो मैं जल्दी मारा जाऊंगा, पर आखिर करूँ तो क्या करूँ, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। देखो उछल उछल कर मार रही है। स्पाइडरमैन, क्यों ना यहाँ से बाइक लेकर भाग जाऊँ। चलो उसको टक्कर मार देते हैं, शायद वो मर जाएगी। यार वो तो जिंदा बच गई, मेरे को जल्द से जल्द निकलना होगा ताकि वो मेरे से काफी दूर रह जाए। अबे नहीं ना यार, वो कमीनी तो यहाँ भी आ गई और उसको गोलियां मारने पर मेरी बाइक का बैलेंस बिगड़ रहा है। चलो यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं। ओ माई गॉड, मैं तो दीवार से टकरा कर देखो हवा में उछल गया और वो तो यहाँ भी आ गई, पता नहीं अब क्या होगा। इसका कुछ करना होगा नहीं तो मारा जाऊंगा। अबे माफ कर दे, गलती हो गई। Oh, no. देखो आर्मी वाले आ गए, शायद अब मैं बच जाऊं। पर ये तो उनको भी मारने लग गई, ऐसे तो ये सबको खत्म कर देगी। पर ये अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का, क्योंकि उसका ध्यान मेरे पर नहीं है। मैं चुपचाप यहाँ से फरार हो सकता हूँ और उसको पता भी नहीं चलेगा। आखिरकार मैं शहर में आ गया, पर वो डायन भी आ गई। अब ये मेरे ऊपर कारें कौन फेंक रहा है, शायद वो डायन पावर से कारों से हमला कर रही है। मेरे को यहाँ से निकलना होगा, तभी उसके हाथों से मरने से बच पाऊंगा। यार ये तो यहाँ भी आ गई और कार के अंदर बैठ रही है, क्यों ना मौके का फायदा उठाकर मैं इसको जान से मार दूं। उसके लिए शहर से निकलकर कार को खाई में जंप करवाना होगा।
ओहो, मैंने तो उसको धोखा देकर खाई से नीचे गिरा दिया और कार के अंदर धमाका भी हो गया। चलो पास में जाकर देखते हैं कि वो जिंदा है या मर गई। यार ये तो कार के धमाके के बाद देखो सच में मर गई। इसको मारना उतना भी मुश्किल नहीं था। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।